ये सड़क जो है वो हायाघाट प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाला सड़क है और मुख्य सड़क है। बता दें यहाँ मुख्य सड़क में काफ़ी दिनों से काम चल रहा है, लगभग ये 6 महीने से ज़्यादा से यहाँ काम चल रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि यहाँ सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ 10 चक्का वाला जो हाईवा है वो यहाँ आकर फंस चुका है, आप देख सकते हैं। और आज के दिन में पूरे हायाघाट प्रखंड में बता दें 1500 के करीब उम्मीदवार हैं सभी पदों के लिए, जिनका आज यहाँ पर सिंबल मिलने वाला है। सिंबल मिलने के दिन मुख्य सड़क जो है वो जाम हो गया है, आप समझ सकते हैं। खासकर काफ़ी दिनों से ये सड़क का निर्माण हो रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह है और लोग कितने तकलीफ में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये लोग कितने तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास कोई चारा नहीं है, अगर गिरे तो परिवार के साथ ये गिर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जानकारी दे दें कि आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? मझौलिया से आ रहा हूँ। मझौलिया से कहाँ जा रहे हैं? मैं हायाघाट ब्लॉक जा रहा हूँ। क्या काम है? आज वार्ड पर 10 का चिन्ह लेना, चुनाव चिन्ह उसके लिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा, आज मतलब सिंबल मिलने वाला है? सिंबल मिलने वाला है। क्या हुआ है इस सड़क में जो अभी देख रहे हैं? सड़क बहुत ज्यादा तो यहाँ दुर्घटना का भी आशा बन सकता है। जिस तरह से यहाँ डाइवर्सन है, बड़ा गाड़ी वहाँ भरा हुआ है और जगह छोटा है, इससे दुर्घटना का संकेत है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भरत मोहन प्रसाद मझौलिया। ठीक है, देख सकते हैं आप जो लोग हैं काफी परेशान हैं, खासकर लोगों के पास इस वक्त कोई चारा नहीं है। ये समझने वाली बात है कि प्रशासन अगर है, अगर ये सड़क का निर्माण करना है तो जल्द से जल्द और ज़्यादा चौड़ा डायवर्सन कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर किसी ने गौर नहीं किया। बारिश का समय है, मिट्टी धस रहा है बहुत। कुछ देर के बाद आप जरूर देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं कुछ ही देर के बाद यहाँ पर हादसा होगा और लोग गिर जाएंगे, किसी न किसी का पाँव हाथ टूटेगा। लोग काफ़ी परेशान है, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी दिनों से ये काम चल रहा था और आज ये मुख्य सड़क है हायाघाट। ये जो सड़क है देख सकते हैं आप, ये हायाघाट मुख्यालय से ये सीधा सड़क आ रहा है। जो सड़क का निर्माण हो चुका है, जो पुल का जो निर्माण हो रहा है उसका डायवर्सन जो बनाया गया था वो डायवर्सन काफ़ी दिनों से यहाँ पर ठीक ठाक नहीं है। लोगों को काफ़ी परेशानी होता है डायवर्सन कैसे भी, ये पुल निर्माण करने वाले जो ठेकेदार हैं उन्होंने कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि ये देख सकते हैं कहाँ पर जाकर ये हाईवा जो है वो 10 चक्का वाला जो हाईवा है वो फंस चुका है। और हाईवा फंसने के कारण आप देख सकते हैं कितने घंटों का यहाँ पर समय लगेगा, ये कोई ठिकाना नहीं लग रहा है। क्योंकि आज के दिन 1500 लोग ऐसे हैं जो उम्मीदवार बने हैं हायाघाट पंचायत चुनाव 2021 के लिए, जिनका आज सिंबल आना है। और आज सिंबल के दिन ही आप देख सकते हैं ये जो खासकर क्षतिग्रस्त भी कर दिया है, नए पुल को क्षतिग्रस्त ये हाईवा ने कर दिया है। और इस हाईवा के कारण काफ़ी लोग मतलब 10,000 के करीब लोग आज के दिन अगर इस रास्ते से गुजरते तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता। सामने आप देख सकते हैं, सामने जो है ये अशोक पेपर मिल का ये एरिया है। अशोक पेपर मिल का एरिया आपको हल्का दिख रहा होगा, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि मुख्य सड़क जो है हायाघाट को जाने वाली ये मुख्य सड़क आज जाम हो गई है। बड़ी बात, ब्रेकिंग न्यूज और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप भारत उदय समाचार पर देख रहे हैं। सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। देख सकते हैं यहाँ दूध लेकर जाने वाले लोग जिन्हें काफ़ी देख सकते हैं इनके गाड़ी पर कितना लीटर दूध लगा हुआ है। अगर थोड़ी सी भी अगर दिक्कत होगी तो इनका गाड़ी और ये खुद गड्ढे में जाकर गिरेंगे, काफ़ी परेशानियों का सामना। और देखते हैं कि कितने घंटे के बाद ये जाम खुल पाता है और जो लोग इधर से जाएंगे उन्हें कितना तकलीफ होगा और कितने दिनों के बाद ये जो कितने दिनों के बाद खुलता है ये भी महत्वपूर्ण जानकारी होगा। इसी रास्ते से हायाघाट के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण जितने भी पदाधिकारी हैं हायाघाट के, वो इसी रास्ते से जाते हैं। और इस रास्ते का हाल आप देख सकते हैं कि ये हाल क्या बना दिया गया है। भारत उदय समाचार लगातार सभी जगहों से आपको खबर दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हम बात भी कराएंगे और जिनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो माजरा है वो क्या हुआ है और कैसे उन लोगों का ये रास्ता खुल पाएगा। तो ये मुख्य सड़क आप देख सकते हैं अशोक पेपर मिल के बगल से जो सड़क आ रही है ये होरलपट्टी मोड़, अशोक पेपर मिल मोड़ से जो लोग ऑटो पकड़ते हैं और हायाघाट प्रखंड के लिए जाते हैं उनका ऑटो यहीं पर रुक रहा है क्योंकि रास्ता जाम हो गया है। अब सोच सकते हैं कि 1500 से ज़्यादा उम्मीदवार और उनके साथ प्रस्तावक जो लोग आएंगे उनको कितना तकलीफ होगा। यहाँ से ग्रामीण जो हैं खासकर ये घास लेकर जाते हैं, इनका मेन रास्ता यहीं पर है। हायाघाट खासकर अकराहा की बात करें, सिरनिया की बात करें या हायाघाट प्रखंड मुख्यालय की बात करें या फिर हायाघाट
थाना की बात करें या फिर समस्तीपुर तक के जो लोग हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं, उन सभी लोगों को आज के दिन कितना मुश्किल झेलना पड़ेगा और लगातार झेलना पड़ रहा है। ये डायवर्सन आप देख सकते हैं, जो डायवर्सन जो बनाया गया है वो कितना मजबूती से बनाया गया है या नहीं, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। मिट्टी सिर्फ डाला गया था, अगर इसे चौड़ा किया गया होता तो आज के दिन में ये तकलीफ नहीं होती। बाबू ये कौन सा जगह है ये बताओ तो? अशोक पेपर में। अच्छा, ये क्या दिक्कत हुआ है, कब से ये जाम हो गया है सड़क? चार बजे सुबह से। अच्छा, ये 4 बजे सुबह में चलता ही रहता है? अच्छा, आप लोग देखने के लिए आए यहाँ पर? क्या नाम है? छोटू। तो पुल का जो निर्माण है वो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है और आप देख सकते हैं ये हाल, सड़क का हाल और ये जगह का हाल। यहाँ पर आज हजारों की संख्या में लोग ऐसे आएंगे जिनको तकलीफ होने वाला है। आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप भारत उदय समाचार पर देख रहे हैं। सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। रहे हैं? मैं देवीपुर से। देवीपुर से कहाँ जा रहे हैं? आयाघाट ब्लॉक। क्या करने जा रहे हैं? सिंबल आज मिलेगा। सिंबल लाने के लिए। सिंबल लाने के लिए जी। अच्छा, क्या चीज का? वार्ड सदस्य का। वार्ड सदस्य का जी। तो ये मतलब आज ही के दिन सिंबल मिलेगा जी? ये जो सड़क जाम हो गया, कितना तकलीफ हुआ आप लोगों को? तकलीफ तो है। क्या तकलीफ लग रहा है, क्या क्या डर लग रहा है यहाँ पर? डर चलने का में है, गिरने का भी डर है। डर है बहुत। दिन सिंबल मिलेगा सड़क पर, ये जाम हो गया है अथी के लेके। क्या नाम है? कुंदन कुमार पास। बताइए क्या तकलीफ हुआ है? हम लोग अभी आ रहे हैं, जा रहे थे सिंबल आने के लिए और ये रोड के देख रहे हैं, एक तो गाड़ी की कचरा से फंसा हुआ है, इधर भी गिरने का है, जानमाल का डर है। और आज 5,000 आदमी जाएगा सिंबल लाने के लिए, इसमें सरकार का कोई या गवर्नमेंट हो या अफसर का है, अफसर का भी गाड़ी जाएगा। क्या लग रहा है, जो मतलब जो साइड का जो बनाया गया है जी, अगर ये चौड़ा किया गया रहता तो आज दिक्कत नहीं होता? नहीं होता, चौड़ा किया रहता तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, कोई सब हट के बगल से निकल के जाता। आज जो है बहुत दिक्कत हो रहा है, पैदल वो हम लोग उतर के आ रहे हैं दो चक्का पर से। ठीक, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार। आपका नाम? सुनील कुमार। सीधो रहते ना सीधा। हाँ, के पुल बनाने के बताइए कि कितने बजे रात में घटना हुआ ये? 9 बजे सुबह में। 9 बजे रात में। रात में हो गया। कहाँ से आ रहे थे आप? खोकला रोड। खोकला। खोकला से जा कहाँ रहे थे? कल्याणपुर। अच्छा, तो ये कैसे फंसा दिए, कैसे हो गया ये? बारिश का वजह से, चक्का से निकल। अच्छा, डायवर्जन का वजह से हुआ है। क्या डायवर्जन चौड़ा नहीं है, गाड़ी काटने में प्रॉब्लम हुआ। तो क्या अचानक मतलब फंस गया? अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आपका गलती था कि ये सड़क का गलती है? ये डायवर्जन का गलती है। डायवर्सन का क्या, डायवर्सन में क्या कमी है? थोड़ा चौड़ा और रहना चाहिए। अच्छा, तो गाड़ी काटने में दिक्कत होगा। गाड़ी काटने में दिक्कत हुआ। क्या काम करते हैं आप लोग ट्रक से? पिचिंग वाला काम कर। पिचिंग वाला। क्या नाम है आपका? सनोज कुमार राय। गाड़ी कहाँ का है? गाड़ी उधर कल्याणपुर का है। ठीक। बताइए कहाँ से आ रहे हैं? मल्हीपट्टी से। क्या दिक्कत क्या हुआ अभी आने में? गाड़ी फंसा हुआ है। अच्छा, तो क्या दिक्कत क्या हो रहा है आदमी लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है? कहाँ जा रहे थे आप? ब्लॉक जा रहे हैं। क्या है के लिए? जा रहे हैं सिंबल लाने के लिए। अच्छा, सिंबल लाने के लिए। हाँ। तो मुख्य रास्ता यही है सड़क जाने का? हाँ, मुख्य रास्ता यही प्रखंड जाने का। हाँ, क्या लग रहा है कि सड़क जब तक जाम रहेगा तब तक कितना आदमी को परेशानी होगा? बहुत ज्यादा आदमी को परेशानी होगा, आज सबको सिंबल मिलना है। कितना आदमी, आपके अंदाजे से कितना आदमी जाएगा? 10,000 से लगभग आदमी पास करेगा। महिला भी उम्मीदवार है, उसको यहाँ गिर सकता है,
तो सरकार इसका डायवर्सन ठेकेदार बनाता तो दिक्कत नहीं होता, डायवर्सन जो है सो नहीं है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार भगत। आप कहाँ से आए थे? मल्ली पट्टी से।